हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम की फोर्थ क्लास में पार्ट दो, जो कहानी है जैसा सवाल वैसा जवाब, उसका अध्ययन करेंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था, यानी कि जो बादशाह था वो कौन था, यहाँ पर अकबर था। बादशाह क्या होता है, जो मतलब वहाँ का राजा था वो, तो उसका मंत्री कौन था, बीरबल था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दरबारी कौन है, जो दरबार में रहते थे, यानी जो अकबर वहाँ राजा था, बादशाह था, उसका दरबार था, उस दरबार में रहने वाले लोग दरबारी कहलाते थे। तो वो दरबारी थे, वो किससे जलते थे, बीरबल से, यानी जो अकबर का मंत्री था उससे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने का तरीके सोचते रहते थे, यानी कि जो बीरबल था उसको वह मुसीबत में फंसाने की कोशिश करते थे, कौन, दरबारी। अकबर के पास एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, यानी कि जो अकबर था उसका एक खास दरबारी था, यानी दरबार में रहने वाला, जो इधर उधर की सारी जो सूचनाएं हैं वो अकबर को देता था, वो दरबारी कौन था, ख्वाजा सरा। ठीक है, जो ख्वाजा सरा था उसको अपनी विद्या और बुद्धि, यानी उसको अपना जो विद्या थी और जो बुद्धि थी उसके ऊपर बहुत ही घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, यानी कि वह उसको अपने सामने कुछ भी नहीं समझते थे, बिल्कुल एक बच्चे के समान समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। यानी कि वह कौन, जो ख्वाजा सरा था, वह अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता था, लेकिन अपने मानने से कुछ नहीं होता। जब लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वह इंसान ऐसा है, तब कुछ होता था। बीरबल की तूती बोलती थी, यानी कि उसी की, बीरबल की जय जयकार होती थी। और ख्वाजा सरा जब वो नक्कार खाने में, तूती की आवाज़ कैसी होती है, यानी नक्कार खाना जो होता है वो बुचड़ खाना होता है, यानी उसकी आवाज़ जो किसी की ना सुनती हो, ठीक है, यानी कि उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। किसकी, ख्वाजा सरा की। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी कि वह अपने होश गंवा देंगे, यानी कि उसको बहुत मुश्किल होगी, परेशानी होगी उन प्रश्नों के उत्तर देने में, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, यानी कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी प्रयास कर ले, वह उनका जो एक पूर्ण आंसर होता है, जो पूर्ण उत्तर होता है, जो संतुष्टि वाला होता है, वो है उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, यानी कि जो ख्वाजा सरा था उसको ये घमंड था कि वह इस ऐसा मान लेगा कि जो बीरबल है वह कुछ भी नहीं है, यानी कि जो ख्वाजा सरा है उसकी बुद्धि बीरबल से कहीं अधिक तीव्र है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। यानी कि जो ख्वाजा सरा है वो अकबर को कहता है कि आप बीरबल को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हो, और आप उसकी जो लंबी चौड़ी बातें होती हैं उन जो बातें हैं उनके धोखे में आ जाते हैं, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि उससे 3 प्रश्न पूछो और उसकी बुद्धि की गहराई को माप लो, यानी कि उसकी बुद्धि को परख लो कि वह उसकी बुद्धि है वह कितनी तेज है। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना होता है यानी जो बीरबल है उसका भेद खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर, अनुरोध क्या होता है, विनती करने पर, अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। ख्वाजा साहब के अनुरोध करने पर अकबर ने किसको बुलाया, बीरबल को, और क्या कहा कि जो ख्वाजा साहब हैं वो आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप उनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें।
ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए, यानी जो ख्वाजा सरा था उसने अपने तीनों प्रश्न लिखकर किसको दे दिए, बादशाह यानी अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, अर्थात जो संसार है उसका जो बीच का हिस्सा है वह कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच वाला पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा सकते हैं कि मेरी बात गलत है। यानी कि जब बीरबल ने यह कह दिया कि मेरी छड़ी जो जहाँ पर है यही दुनिया का बीच का स्थान है, अगर यह गलत हो तो जो ख्वाजा सरा है वह फीते से ही सारी दुनिया को माप सकता है, तो उसकी बात को गलत साबित नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि जो दुनिया का केंद्र होता है क्या हम उसको फीते से माप सकते हैं? नहीं, यानी कि इतनी जो लंबाई होती है उसको फीते से हम नहीं माप सकते, दुनिया को हम फीते से नहीं माप सकते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं, क्या आकाश के तारे गिने जा सकते हैं? नहीं। तभी बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, संदेह यानी शक, यानी शक की कोई भी गुंजाइश हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। यानी कहने का बीरबल का तात्पर्य क्या था कि भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं वह अनगिनत है, यानी उनकी जो गिनती है वह नहीं की जा सकती है। अगर भेड़ के बालों की गिनती नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार जो आसमान में तारे हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है, संसार की आबादी यानी जो जनसंख्या है वह कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को यह एक जगह यहाँ इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। क्योंकि बीरबल को पता था जो जनसंख्या है वह घटती बढ़ती रहती है और उनको इकट्ठा करके ही उनकी गणना की जा सकती है। क्या पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना संभव है? नहीं। यानी कि पूरी दुनिया के में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता। करने लग गए तो कोई मर जाएगा तो कोई जिंदा, यानी उनकी गणना नहीं हो सकती। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौंसी कोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा। नाक भौंसी कोड़ कर मतलब वह अपने आप के जो हाथ मलता रह गया, यानी वह संतुष्टि नहीं मानता था, यानी वो समझने लगा कि इसने तो इस प्रकार से जवाब दे दिए जिनका और कोई उत्तर ऐसा हो नहीं सकता। जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बनता था, यानी कि ये ऐसे अटपटे सवाल थे और इनके ऐसे ही अटपटे उत्तर भी निकले हैं। यानी कि जैसे उन्होंने अटपटे प्रश्न पूछे थे वैसे ही बीरबल ने उनके अटपटे उत्तर भी दे दिए, और जो ख्वाजा सरा है वह इन बातों को गलत भी साबित नहीं कर पाया। तो ये तो था हमारा जैसा सवाल वैसा जवाब नामे कहानी। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है, कहीं संदेह है, किसी भी शब्द का आपको अर्थ में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।